गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरोट कल्चर, गाजर की बात करने। गाजर जो है अपनी एक रूट क्रॉप, जैसे सब्जियों के प्रकार अपन तो अपनी फ्रूट वाली क्रॉप्स होती है, कुछ रूट क्रॉप्स होती है और कुछ इसमें चार सब्जियां। तो कैरोट गाजर जो है अपनी रूट क्रॉप्स के अंदर आती है, जड़ वाली सब्जी आती है। जड़ वाली सब्जी ज़्यादा महत्वपूर्ण, एक तो गाजर होती है, एक होती है मूली, ठीक है, बाकी और भी होता है, अलावा जो है ये शकरकंद भी होता है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं, परंतु ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो सब्जियाँ हैं, एक रेडिश होती है, मूली होती है। तो आज अपन पढ़ेंगे गाजर के बारे में, तो कल की क्लास में अपन रेडिश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बात करें कि भाई गाजर जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब महत्ता है इसके, मतलब अंदर क्या क्वालिटीज़, क्या इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं। तो इसके अंदर गाजर के अंदर एक तो जैसे विटामिन ए और ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी अधिक मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है फॉस्फोरस है, कैरोटीन, इसके अंदर विटामिन ए जो है कैरोटीन के रूप में इसके अंदर अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है इसके अंदर अपन बात करें कि जैसे अपन इसके यूजेज क्या हैं, तो भाई जैसे अपने पाचन क्षमता बढ़ाने का काम करता है, क्या करता है ये, पाचन क्षमता बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा जो है अगर मेल के लिए बात करें, पुरुषों के, तो ये जो है ताकत देता है, अगर इसका जूस अगर पीते हैं डेली तो इससे अधिक अपने शरीर में ताकत ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने फर्टिलिटी से रिलेटेड जैसे स्पर्म्स वगैरह कम बन रहे हैं, शुक्राणु कम बन रहे हैं, तो वो भी गाजर का जूस पीने से सही किया जा सकता है, फ़ायदा उसमें भी अपने को होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो जैसे अपन पेट संबंधित कोई बीमारी है, स्किन संबंधित, त्वचा संबंधित रोग है, तो उसमें भी जो गाजर का जो है जूस काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं, जो भी अपने शरीर की पाचन शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा जैसे शुगर पेशेंट है उनके लिए भी गाजर जो खाना स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसके अलावा जैसे पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी गाजर जो है फायदेमंद माना गया है। ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है, कैंसर प्रतिरोधक तत्व भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है, कैंसर के प्रति रखता है। इसके अलावा विटामिन बी के है ना, ई विटामिन ई भी इसमें पाया जाता है, इसलिए एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इसको कहा जाता है। बांझपन के प्रति जो है अच्छा विटामिन ई अपन मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर अगर उनके जैसे मासिक धर्म जो है सही समय पर नहीं आता, तो उसके जो है गाजर फायदेमंद मानी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके काफ़ी फायदे हैं। अब अपन बात करते हैं गाजर के बारे में, कल्टीवेशन खेती के बारे में जो अपने क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला बात करते हैं अपन इसके वानस्पतिक नाम के बारे में, क्या है इसका वानस्पतिक नाम, डोकस कैरोटा, डोकस कैरोटा। उसके बाद में कुल इसका एम्बेलीफेरी, कुल इसका माना जाता है एम्बेलीफेरी या एपीएसी, नया नाम क्या है, एपीएसी। एम्बेलीफेरी का मतलब इसके जो फ्लोवर्स होते हैं वो अम्बेल के रूप में बनते हैं, इसलिए इसको एम्बेलीफेरी कुल कहा जाता है, ठीक है। गाजर इतने कलर की होती है, आप डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं, ठीक है, रेड कलर होती है, येलो कलर होती है, पर्पल कलर होती है, ठीक है। इस तरीके की गाजर अलग अलग कलर में अवेलेबल है। यस, जो भी चैटिंग में आप लोग टाइप कर रहे हैं, जैसे अमर सिंह वगैरह कोई भी टाइप कर रहे हैं, तो क्लास के बीच में अपन डिस्कस नहीं करते हैं चैटिंग पे कुछ भी। आपको जैसे ऐसे क्वेश्चन है, सर ऑफलाइन क्लास भी चलती है, ऐसे क्लासों के लिए का वो टाइम नहीं होता। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मैसेज करें, उसका हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो बाकी आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं। हाँ, जैसे नेक्स्ट अपन बात करते हैं गाजर के बारे में कि भाई इसके उत्पत्ति स्थान कौन सा माना जाता है, तो अफगानिस्तान जो है इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं
फल का प्रकार या उपयोगी भाग जो है इसकी जड़, मैंने आपको जैसे बताया कि भाई जड़ जो है इसका उपयोगी भाग, जड़ वाली सब्जी इसको कहा जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स भी अपना आता है तो उसके अंदर जड़ वाली सब्जियों में ये आती है, ठीक है। और पोटेशियम का जो है ये हैवी फीडर है, मतलब पोटेशियम की गाजर को अधिक आवश्यकता होती है, मतलब पोटेशियम इस गाजर में अधिक अप्लाई करना पड़ता है अपने को, ठीक है। इसके बाद में जैसे फल का प्रकार की बात करें तो सिजोकार्प, ये इस तरीके का जो फल है, मतलब फल का मतलब गाजर वो फल नहीं है, गाजर तो जड़ है, ठीक है, परंतु और जड़ भी वो मॉडिफाइड जड़ है ना, परिवर्तित जड़, ठीक है। उसके बाद में जैसे इसका जो पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम तो ये है अम्बेल, इस तरीके का पुष्पक्रम आता है इसके ऊपर, ठीक है। फिर इस पे जो फल बनता है वो इस तरीके का फल बनता है, उसको बोलते हैं सिजोकार्प। क्या बोलते हैं? सिजोकार्प इसका फल होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कांजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। कांजी जो होता है पेय पदार्थ होता है, क्या होता है? पेय पदार्थ होता है जो कि काली गाजर से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? काली गाजर से बनाया जाने वाला पेय पदार्थ कांजी कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भाई कांजी किससे बनाया जाता है, तो काली गाजर से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? काली गाजर से, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, गाजर में प्रोटोएंड्री पाई जाती है। अब ये प्रोटोएंड्री क्या होती है भाई? प्रोटोएंड्री का मतलब होता है कि भाई नर भाग का पहले परिपक्व होना, है ना, नर पुष्प का पहले परिपक्व होना, जिससे परागण नहीं हो पाता है, जिससे पर परागण होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं अपन प्रोटोएंड्री, ठीक है। प्रोटोएंड्री का मतलब नर पुष्प का पहले परिपक्व होना और फीमेल का बाद में परिपक्व होना, क्या कहलाता है? प्रोटो एंड्री, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें नरबंधिता भी पाई जाती है, ठीक है। नरबंधिता मतलब मेल जो होता है स्टेराइल होता है, ठीक है। नरबंधिता मतलब मेल स्टेराइल होता है, उसके जो परागकण हो जीवनक्षम नहीं होते हैं या फिर वो परागण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसमें नरबंधिता पाई जाती है जो गाजर में पर परागण मतलब होने का कारण है, ठीक है। पर परागण क्यों होता है? नरबंधिता के कारण होता है, और प्रोटोएंड्री भी उसमें पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गाजर के अंदर विटामिन, विटामिन मैंने आपको बताया जैसे ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, के भी होता है, ई भी होता है, सब विटामिन इसमें पाए जाते हैं, परंतु ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए, ना, विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है। और विटामिन ए आपको पता ही है आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो रतुंधी रोग जो है वो नहीं होता है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होता है ना, तो अगर गाजर खाएंगे तो वो रोग नहीं होगा। रतुंधी रोग में क्या होता है? रात को दिखाई नहीं देता है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं रतुंधी रोग, रातिंगो, जिसको जैसी भाषा में बोलते हैं रातिंगो हो गया। अब बात करते हैं इसकी जलवायु की, इसका जलवायु जो है यूरोपियन गाजर जो है वो तो ठंडे जलवायु का पौधा है, जिसके लिए देखो दो तरह की गाजर है, एक तो है एशियन गाजर, एक है यूरोपियन गाजर, ठीक है। तो जो ये यूरोपियन गाजर है ये ठंडे जलवायु की फसल है। कौन सी जलवायु की फसल है? ठंडे जलवायु की, जिसके लिए 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एशियाटिक गाजर, यानी एशियन गाजर जो है उसमें वो कौन से जलवायु की है? उष्ण जलवायु की फसल है। कौन सी जलवायु की फसल है? उष्ण जलवायु की फसल है, और तापमान जो है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें रहता है, ठीक है। मतलब सुटेबल टेम्परेचर जो कितना चाहिए उसके लिए? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बीज उत्पादन के लिए तापमान 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तम रहता है, मतलब कि जो कम तापमान चाहिए बीज उत्पादन के लिए इसको ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है, और अधिक तापमान है तो बीज उत्पादन इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना जड़ के रंग के विकास के लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए? 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जड़ के विकास के लिए उचित जो तापमान है वो 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो जड़ के अंदर रंग जो डेवलप होगा, ठीक है। मृदा पीएच, जो मृदा जो है सबसे पहली बात तो देखो मृदा कौन सी चाहिए? बलुई दोमट, है ना। जो भी अपन किसी भी सब्जी की खेती करेंगे तो उसके लिए सबसे अच्छी मृदा होगी वो बलुई दोमट होगी। और परंतु ध्यान ये रखना है उसके अंदर जो गोबर की खाद FIM आप डालेंगे वो सड़ी हुई, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कम सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे तो इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे फोर्किंग वगैरह हो जाती है ना। फोर्किंग क्योंकि कठोर, या तो कठोर मृदा होगी या फिर बिना सड़ी हुई गोबर की खाद, जिसमें अपने कंडे होते हैं, कंडे मतलब छाने बोलते हैं अपने भाषा में ना, कंडे होते हैं ना, सूखा हुआ गोबर वो बन जाता है बिना सड़ी हुई में। क्या होता है कि भाई उसकी वजह से वो पौधा मतलब जड़ वृद्धि नहीं कर पाती, और वृद्धि करेगी तो ऐसे चार फोर्क के रूप में, कांटे के रूप में बन जाएगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फोर्किंग, ठीक है। तो ऐसी समस्या ना हो इसके लिए सड़ी हुई, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालनी चाहिए। कितनी डालते हैं? 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं, ठीक है। तो मृदा जो है बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी गई है, जिसमें जल निकास भी अच्छा होना चाहिए, जल भरा नहीं रहना चाहिए, और लवणीय क्षारीय मृदाएं नहीं होनी चाहिए, और पीएच 6.5 हो वो उसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। पीएच मान 6.5 से अधिक नहीं होना चाहिए या कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब एवरेज है 6.5, मतलब हल्की अम्लीय मृदाएं इसकी खेती के उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है।
एशियाटिक गाजर की उपज अधिक होती है परंतु गुणवत्ता खराब होती है। मतलब एशियन गाजर जो है अपनी, उनकी उपज तो अधिक होती है परंतु उनकी गुणवत्ता खराब होती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन है, अभी भी अगर क्वांटिटी पे अपन जाएंगे तो क्वालिटी अपने आप डाउन हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई, जैसे अपन पढ़ाई किससे रिलेटेड करें इसको, तो भाई 10 बच्चे, 20 बच्चे, मान लो 30 बच्चे तक अगर किसी क्लास में बैठे और उनको पढ़ाया जा रहा है, तो हर बच्चे पे पूरा ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, परंतु अगर एक क्लास ऐसी है जिसमें 200, 300, 400 बच्चे एक साथ बैठे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, लेक्चर डिलीवर होता है, परंतु सामने वाला क्या पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें है कि भाई जो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्वालिटी डाउन होनी होनी है। किसी भी चीज़ की अगर प्रोडक्शन अपन बढ़ाएंगे तो क्वालिटी डाउन होगी। जैसे अपन ने गेहूं वगैरह का भी, अगर अपन ने जैसे हरित क्रांति आई और उत्पादन बढ़ाया, तो फर्टिलाइजर वगैरह का यूज़ ज़्यादा किया, तो अब आप जैसे नॉर्मली अगर देखें कि बिना उर्वरक वाले अगर कोई फसल अपन उगा रहे हैं, तो उसमें मिठास ज़्यादा होगी। मतलब उसमें टेस्ट जो होगा वो टेस्ट अपने को फर्टिलाइजर के द्वारा उगाई गई क्रॉप में नहीं होगा। मतलब चाहे गेहूं हो चाहे कोई भी फ्रूट हो, तो अगर अपन बिना फर्टिलाइजर के उगाएंगे तो उसमें ज़्यादा टेस्ट होगा, मतलब प्रोडक्शन कम हो जाएगा परंतु टेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वालिटी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, वही चीज़ है कि भाई इसका जो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है परंतु इसकी क्वालिटी डाउन होती है, क्वालिटी कम होती है इसकी। ठीक है, यूरोपियन गाजर का केसरिया रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, वो केसरिया रंग की गाजर दिखाई दे रही है, तो इस तरीके का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ठीक है, लाइकोपीन एंथोसाइनिन नाम मिल जाए तो एंथोसाइनिन का मतलब वर्णक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नारंगी रंग, है ना। नारंगी रंग जो होता है बिल्कुल उसके संतरे के जैसा, ठीक है, वो होता है बीटा कैरोटीन के कारण। किसके कारण? बीटा कैरोटीन के कारण, जो कि कुल वर्णकों का कितना प्रतिशत होता है? 50%, है ना। इसलिए वो ज़्यादा जो नारंगी रंग है वो दिखाई देता है उसका, गाजर का, क्योंकि बीटा कैरोटीन उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंने बताया ना आपको कि विटामिन बी भी पाया जाता है इसमें, है ना, बीटा कैरोटीन इसमें ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है बैंगनी रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन का मतलब ये वर्णक है। ठीक है, तो एंथोसाइनिन के कारण बैंगनी रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीला रंग के कारण, कैरोटीन व जेंथोफिल वर्णक के कारण। ठीक है, कैरोटीन अपन ने पढ़ा था अभी। नेक्स्ट है कड़वापन, आइसोक्यूमिरेन के कारण। अच्छा, गाजर जो होती है कई बार अपने को कड़वी लगती है ना, कड़वी जो गाजर लगती है उसके पीछे क्या रीज़न है? उसमें आइसोक्यूमिरेन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, और आइसोक्यूमिरेन का फॉर्मेशन ज़्यादा कब होता है? जब इथाइलिन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, हाँ, गाजर के अंदर जब इथाइलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आइसोक्यूमिरेन का फॉर्मेशन हो जाता है, और आइसोक्यूमिरेन का फॉर्मेशन जब हो जाएगा, आइसोक्यूमिरेन का निर्माण जब हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? गाजर कड़वी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, गाजर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। कहाँ पे होता है? चीन में। गाजर का सर्वाधिक प्रोडक्शन चीन के अंदर होता है, और गाजर जो मैंने आपको बताया था पोटाश की आवश्यकता अधिक होती है ना, कैरोट इज ए हैवी फीडर ऑफ पोटाश। ठीक है, मतलब पोटाश कोई से भी न्यूट्रिएंट में सबसे अधिक आवश्यकता गाजर को किसकी होती है? पोटाश की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई गाजर को कौन से पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है, तो पोटाश की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। ठीक है, परागण कैसे होता है इसमें? कीटों के द्वारा, और कीटों के द्वारा परागण क्या कहलाता है? एंटोमोफिलस। क्या कहलाता है? एंटोमोफिलस। कीटों के द्वारा परागण जो है एंटोमोफिलस कहलाता है, और मधुमक्खियों के द्वारा और चींटियों के द्वारा इसमें परागण हो सकता है। ठीक है, पुष्पक्रम इसका अम्बेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कैरोटोल रसायन के कारण बीज जो है अंकुरित नहीं होते हैं। कैरोटोल रसायन जो होता है इसके अंदर, उसके कारण मतलब बीजों के अंदर पाया जाता है कैरोटोल रसायन के कारण, उनमें क्या सुसुप्ता अवस्था आ जाती है, ठीक है, वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक कैरोटीन बुआई के कितने दिन बाद बनता है? 90 से 130 दिन बाद जो है कैरोटीन की मात्रा पीक लेवल पर होती है, मतलब हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ कैरोटीन जो पाई जाती है 90 से 130 दिन की क्रॉप के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बढ़ती नहीं है, मतलब वो की वही रहती है, या फिर मतलब जो है कई बार कम भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन बीज दर की, तो बीज दर गाजर की 5 से 6 किलो प्रति हेक्टर, 5 से 6 किलो प्रति हेक्टर एशियन जो गाजर है उनकी बुआई कब करते हैं? अगस्त से अक्टूबर में, और बीज अंकुरण में कितना समय लगता है? 1 सप्ताह, है ना। यूरोपियन में भी जो है 1 सप्ताह में अंकुरण होता है, एशियन में भी अंकुरण तो 1 सप्ताह में ही होता है, परंतु एशियन की तो बुआई करते हैं अपन अगस्त अक्टूबर में, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, और यूरोपियन की कब करते हैं? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसमें, किसमें जो है एशियन, किस एशियन जो गाजर है उसकी किस्में अपनी
पूसा केसर जो कि अगेती किस्म है, ठीक है, पूसा मेगाली ये इंपॉर्टेंट किस्म है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस्म कौन सी है? पूसा मेगाली। पूसा मेगाली इंपॉर्टेंट किस्म है अपनी। सर्वाधिक विटामिन ए इसमें पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? पूसा मेगाली में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं हिसार गार्लिक। हिसार और गार्लिक दोनों अलग अलग वेराइटीज है। नेक्स्ट है यूरोपियन किस्में। यूरोपियन किस्मों में सबसे इंपॉर्टेंट है चेंटेनी। चेंटेनी, चेंटेनी क्या है? प्रसंस्करण व डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त है। डिब्बाबंदी करके बताई गई है गाजर। डिब्बाबंदी करके किसके गोल में भरेंगे इसको? शक्कर के गोल में, नहीं, नमक के गोल में, है ना, 2% नमक के गोल में, मतलब ब्राइन विलियन के अंदर इसको डिब्बाबंदी करते हैं। ठीक है, जो कि कुछ समय तक इसको खराब होने से बचाता है। तो प्रसंस्करण करने के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी मानी गई है? टेंटेनी, जो कि यूरोपियन किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इम्पेरेटर, जो कि पछेती। इम्पेरेटर एक पछेती किस्म है, ठीक है, और पूसा यमदग्नि, पूसा ज्योति, पूसा वरिष्ठ जो है खरीफ के लिए उपयुक्त किस्म है। अच्छा, गाजर कौन सी क्रॉप की, कौन सी सीजन की क्रॉप है वैसे? रबी की है ना, अपने यहाँ ज़्यादातर रबी में इसको बोते हैं, परंतु खरीफ में बोनी हो तो पूसा वरिष्ठ जो किस्म है उसको खरीफ के लिए काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट है अपनी बेबी गाजर। बेबी गाजर क्या होती है भैया? बेबी गाजर का मतलब देखो, हाँ मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अच्छा सा याद आएगा आपको। एक सिटीज, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज है ना, उनमें हॉट डॉग नाम की एक चीज़ होती है। हॉट डॉग मतलब गरम कुत्ता। गरम कुत्ता नाम सुना है कभी? हॉट डॉग, ठीक है। तो हॉट डॉग का मतलब गरम कुत्ता नहीं होता है, हॉट डॉग का मतलब होता है पिज्ज़ा, चाउमीन, ऐसे होते हैं ना जो फास्ट फूड होते हैं। तो फास्ट फूड में स्पेशली पिज्ज़ा को, अलग तरह का एक पिज्ज़ा होता है उसको बोला गया हॉट डॉग, ठीक है। तो हॉट डॉग होता है उसके ऊपर, कई बार जैसे आप लोगों ने अभी खाया नहीं, खाया आई डोंट नो, बट उसके ऊपर जैसे आप गूगल पर तो सर्च कर ही सकते हो, खाया नहीं अभी क्या हो गया। तो उसके ऊपर सजावट जो होती है, जो सजावट के ऊपर उस पर, यह तो बेबी गाजर भी मिल सकती है अपने को, या फिर अपने जो बेबी कॉर्न, बेबी कॉर्न का नाम तो सुना होगा। बेबी कॉर्न मतलब मक्का के छोटे छोटे, मक्का के जो वो होते हैं भुट्टे होते हैं, दाने नहीं, छोटे छोटे भुट्टे, जिनको अपन तो बोलते हैं डूंडे। क्या है डूंडे? ढूंढे का मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अपन उसको खाने के काम में नहीं लेते हैं, परंतु विदेशों के अंदर या फिर अपने मेट्रो सिटीज जो हैं वहाँ पे लोगों को पता तो चलता नहीं है कि ये ढूंढा काम का नहीं है, और वो उसके ऊपर सजा देते हैं और हॉट डॉग के साथ में उसको खा जाते हैं, ढूंढे को भी खा जाते हैं। ठीक है, तो ये जो गाजर है, बेबी गाजर, ये भी जैसे अपने यहाँ तो अपन उखाड़ते हैं तो अपन सोचते हैं ये तो भाई खराब छोटी रह गई गाजर, कोई काम की नहीं, फेंक दो, परंतु मेट्रो सिटीज में क्या करते हैं, उसको सजाने के लिए, फूड के ऊपर सजाने के लिए काम में लेते हैं, तो उसको बोलते हैं बेबी गाजर, जो कि सुपरमार्केट में ही बिकती है, कहीं और बिकती भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अपन मंडियों में ले जाएंगे तो सूखेंगे तो वेस्ट है, फेंक दो इसको, कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो हाँ जैसे अपने उधर वो उसको अपने फूल, क्या नाम उसका, कॉलीफ्लावर वो था ना, सॉरी ग्रीन कलर की वो थी, ब्रोकली, यस ब्रोकली थी, वैसी कंडीशन इसकी है। बेबी गाजर की भी ऐसी कंडीशन है, इसको मार्केट में कोई नहीं खरीदता है, केवल जो सुपरमार्केट है उन्हीं में लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है शंकर किस्में, पूसा केसर और नेंट्स। जो पूसा केसर है वो नेंट्स और चेंटनी के क्रॉस से तैयार की गई है। शंकर किस्में, इसके क्रॉस अपने ज़्यादातर नहीं पूछेंगे, आप तो नाम याद रख लेना, यही सफिशियंट है। ठीक है, नेक्स्ट है पूसा मेगाली। पूसा मेगाली जो है पूसा केसर इंटू नेंट्स का क्रॉस है। इसके अलावा अन्य किस्मों में जैसे पूसा वसुधा, पूसा असीता, फर्स्ट काली किस्म है ना, पूसा सीता जो है फर्स्ट काली किस्म है, काले रंग की गाजर, मैंने बताया था ना, काली रंग गाजर से क्या बनता है? कांजी है ना, कांजी बनता है ना, हाँ, तो वो काली गाजर फर्स्ट की इसकी संकर किस्म है, पूसा असीता। इसके अलावा पूसा रुधिरा, रॉयल चेंटेनी। रॉयल चेंटेनी जो गृह वाटिका के लिए उपयुक्त किस्म है, मतलब जो अपनी घर पे बनाते हैं ना किचन गार्डन, उसके लिए उपयुक्त है कौन सी? रॉयल चेंटेनी। नेक्स्ट है ऑक्स हार्ट, हार्ट के आकार की किस्म, मतलब कि इसके जो जड़ें होगी वो हार्ट के, हृदय के जैसी होगी, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया ऑक्स हार्ट। क्या नाम दिया है? ऑक्स हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उपज। एशियन जो किस्में हैं उनसे उपज हो जाती है 25 से 30 टन प्रति हेक्टर। कितनी? 25 से 30 टन, मैंने बताया था ना उपज ज़्यादा होती है एशियन की। ठीक है, तो 25 से 30 टन की उपज हो जाती है, और यूरोपियन गाजर है उनकी 10 से 15 टन प्रति हेक्टर तक उपज हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कायिक विकार। यहाँ से क्वेश्चन बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस अपने रहते हैं। कायिक विकार में अपना फर्स्ट है फोर्किंग। फोर्किंग क्या होता है भाई? कांटे के जैसे, कांटे की जैसी इसका बनना गाजर का। ठीक है, ये दिख रहे हैं फोटो में सारे,
मतलब जड़ एक से एक जड़ नहीं जी बनके और बहुत सारी जड़ें निकल जाती है ऐसे, तो बोलते हैं ये जो बननी है नहीं अंगुलियों जैसी संरचना, तो ये क्या है? फोर्किंग है। हैं? हाँ, किसके आकार की? फोर्क। हाँ फोर, हाँ चार के आकार की भी हो सकती है। और बाकी फोर्क जो है अपने जो मेट्रो सिटीज है, ये सब मेट्रो सिटीज की बातें हैं, अपने गाँव की बातें नहीं है ना। मेट्रो सिटीज में क्या करते हैं लोग कि जो ये कांटे आते हैं, मतलब चम्मच आता है ना अपने चम्मच, वैसे ही चम्मच आता है जिसके कांटे होते हैं, उन कांटों को क्या करते हैं, जैसे ये कोई अपने पपीता हो गया, तरबूज हो गया, इनके पीस काट के और उसमें चुबो चुबो के खाते हैं, ठीक है, उसमें चुबो या एक और फिर खा लेते हैं ऐसे, ये उसको बोलते हैं फोर। क्या बोलते हैं? फोर, कांटा। ठीक है, तो उस कांटा जो होता है उसकी जैसी संरचना बन जाती है, इसीलिए इसको नाम दे दिया फोर्किंग। क्या नाम दिया? फोर्किंग। किसके कारण होती है ये? कठोर मृदा के कारण, या फिर बिना सड़ी हुई FIM जो खेत में डाल देते हैं अपन, उसके कारण ये समस्या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है गाजर स्प्लिटिंग, कैरेट स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? जो ये आपको दिख रहा है गाजर का फटना, ये गाजर फटी हुई है, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। क्या है? स्प्लिटिंग। ठीक है, गाजर का फटना किसके कारण हो सकता है? ये अधिक नाइट्रोजन व बोरोन की कमी के कारण तथा मृदा नमी में परिवर्तन के कारण ये समस्या हो सकती है। ठीक है, फिनिश। हाँ, तो नेक्स्ट है अपना केविटी स्पॉट। केविटी स्पॉट क्या होता है? ये इस तरीके दिख रहा है आपको कि गाजर के ऊपर ऐसे छेद हो जाते हैं, मतलब कट के, और त्वचा जो है खराब होके छेद पड़ जाता है वहां पे, उसको बोलते हैं केविटी स्पॉट। क्या है? केविटी स्पॉट। किसके कारण होता है ये? कैल्शियम की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण केविटी स्पॉट हो जाता है गाजर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कड़वापन मैंने आपको बताया था, किसके कारण? इथाइलिन की अधिकता होने से किसका फॉर्मेशन होता है? आइसोक्यूमेरिन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए गाजर कड़वी हो जाती है। ठीक है,